विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत के दरमियान तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह जितनी बार बिहार आते हैं मुझे उसका फायदा होता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि वह बार बार बिहार का दौरा करें। दरअसल तेजस्वी यादव जातीय गणना को लेकर पूछे गए सवालों पर जवाब दे रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि गृह मंत्री कभी कहते हैं कि बिहार में अति पिछड़ों की संख्या बढ़ गई, कभी कहते हैं कम कर दी गई, वह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहना क्या है। जहां तक उनके आरोपों का सवाल है तो वह किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं, पहले उसका प्रमाण दें। हमारे पास प्रूफ है, उनके पास क्या है? तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जातियों की स्थिति क्या है, उनकी संख्या कितनी है, हमारे पास इसका प्रूफ है। गृह मंत्री बताए कि उनके पास क्या प्रूफ है। जहां तक यादवों और मुस्लिमों की संख्या अधिक होने का आरोप है तो मुख्यमंत्री खुद कुर्मी जाति से आते हैं, अगर संख्या बढ़ानी होती है तो मुख्यमंत्री कुर्मी की संख्या ही क्यों नहीं बढ़ा देते। सच्चाई यह है कि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। तो 1931 का आंकड़ों में 11% यादव था, 11% तब था जब उड़ीसा और झारखंड साथ थी, तो अलग हुआ है, दिन बढ़ा है तो उतना आप देख लीजिए, उतना ही संख्या। और जहाँ तक माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी का तो हर साल मतलब हमेशा होता रहा है, तो वो तो सबके सामने है, तो इसे बेबुनियाद आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया तो कौन सा आधार पे बोल रहा है? अनुमानित, हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है ये ना बताइए, बढ़ाया या घटाया किसी बेस पे ना बोलेंगे, कौन से बेस पे बोल रहे हैं, सब बकवास। और आपको भी पता है, अगर बढ़वाना होता तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो कुर्मी समाज का और नहीं बढ़ा दिया जाता, काहे नहीं बढ़वा दिया अपना मुख्यमंत्री जी पे, ये कोई लॉजिक है क्या? हकबका गया है, लोग हकबक में है, बोलना क्या था अमित शाह को, बोल क्या दिए, वो आ रहे हैं हम ही को फायदा पहुंचाने, धन्य हो अमित शाह जी, बार बार आते हैं।